अथर्ववेद रक्षा की प्रार्थना 51-53 ऋषि अंगिरा देवता इंद्र बृहस्पति ज्ञान देने वाला पीछे से ऊपर से और नीचे से अर्थात बाहर से हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा सम्मुख और बीच के स्थान से करें। ज्ञान देने वाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहर से रक्षा करता है और एक अंदर से रक्षा करता है। परमात्मा ज्ञान देकर बाहर से और मित्र होकर अंदर से और सब ओर से हमारी रक्षा करता है। अथर्ववेद उत्तम ज्ञान 52-54 ऋषि अथर्वा देवता सामनस्यम अश्विनो। अश्विनी देवो हमें स्वजनों के साथ उत्तम प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो तथा निम्न श्रेणी के जो लोग हैं उनके साथ भी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। इस संसार में तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो, हम मन से उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करके एक मत से रहें, परस्पर विरोध ना करें, दिव्य मन से हम युक्त होवें, बहुतों का वध होने के कारण दुख के शब्द ना उत्पन्न हो, भविष्य काल में इंद्र का बाण हम पर ना गिरे। अथर्ववेद दीर्घायु 53-55 ऋषि ब्रह्मा देवता आयु बृहस्पति अश्विनोच। परलोक में देहपात के पश्चात जो दुख होते हैं उनसे मनुष्य का बचाव होवे और मनुष्य की शक्तियों की उन्नति होकर मृत्यु से बचाव होवे। मनुष्य के शरीर में प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें, वे शरीर को शीघ्र ना छोड़े, ये ही जीव के सहचारी दो मित्र हैं। मनुष्य बढ़ता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहे, मनुष्य का रक्षक पालक संवर्धक और यहाँ का जीवन सुखमय करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। जो आयु विरुद्ध आचरण के कारण घट जाती है उनको प्राण और अपान पुनः ले जावें और यहाँ उपस्थित स्थापित करें, वहीं तेजस्वी देव दुर्गति से आयु को वापस ले आवें और इसके अंदर सुरक्षित रखें। इस मनुष्य को प्राण और अपान ना छोड़ें। सप्त ऋषि से बने हुए जो सप्त ज्ञानेंद्रियां हैं उनके समीप इस जीव को छोड़ देते हैं, वे इसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करें, शरीर में प्राण और अपान वेग से संचार करें और इस शरीर में रखा हुआ दीर्घायु का खजाना बढ़ावें। तेरे प्राणों को प्रेरित करने से तेरे रोग दूर होंगे और तेरी आयु वृद्धिगत होगी। हम अंधकार को छोड़कर प्रकाश की प्राप्ति के लिए ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर स्वर्ग में आरोहण करते हुए सबके रक्षक तेजस्वी देवता को प्राप्त करते हैं। दीर्घायु दीर्घ आयु कैसे प्राप्त हो, इस सूक्त में दीर्घ आयु प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। दीर्घ आयु प्राप्त करने वाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियों से मनुष्यों की मृत्यु से रक्षा करते हैं। ये दो देव अश्वनी देव हैं। अश्वनी देव कौन हैं और कहाँ रहते हैं इसका विचार करके निश्चय करना चाहिए। देवों के वैद्य अश्वनी कुमार ये देवों के दो वैद्य हैं। इस मंत्र में भी इनको देवों के दो वैद्य ये हैं ऐसा कहा है। यहाँ देव कौन से हैं और उनकी चिकित्सा करने वाले ये वैद्य कौन से हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इनके नामों का मनन करने से एक नाम हमारे सन्मुख विशेष प्रामुख्य से आता है, जो नासिका के स्थान पर रहने वाले, प्राण का स्थान नासिका है, प्राण के स्थान पर रहने वाले ये दो श्वास उच्छ्वास अथवा प्राण अपान ही हैं। प्राण और अपान ये दो देव इस शरीर में रहकर इस शरीर में जो इंद्रिय स्थानों में अनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा करते हैं। प्राण से पुष्टि प्राप्त होती है और अपान से दोष दूर होते हैं। इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टि के द्वारा ये दो देव इन सब इंद्रियों की चिकित्सा करते हैं। यहाँ यह अर्थ देखने से इनका नासत्या नाम बिल्कुल सार्थक प्रतीत होता है। प्राण और अपान अशक्त हो जाएं अथवा इनमें से कोई भी एक अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो इंद्रिय गण भी अपना अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं। इतना इंद्रियों के आरोग्य के पास प्राणों के स्वास्थ्य का संबंध है।
अर्थात वेदों में और पुराणों में देवों के वैद्य अश्वनी कुमार के नाम से जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अध्यात्म पक्ष में अपने देह में प्राण और अपान हैं और ये ही इंद्रिय रूपी देवों की चिकित्सा करते हुए इस मनुष्य को दीर्घ आयु देते हैं। यदि प्राणों की कृपा ना हुई तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है कि जिससे मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सके। यह विचार ध्यान में रखकर यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक अर्थ ध्यान में आ सकता है। देखिए, हे देवों के वैद्य प्राण और अपानों, अपनी विविध शक्तियों से मृत्यु को हमसे दूर करो। अर्थात प्राण और अपान ही इस देह स्थानीय सब अवयवों और अंगों की चिकित्सा करते हैं और उनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्य को मृत्यु से बचाते हैं। अतः मृत्यु दूर करने के लिए उनकी प्रार्थना यहाँ की गई है। जो देव जिस वस्तु को देने वाले हैं, उनकी प्रार्थना इस वस्तु की प्राप्ति के लिए करना योग्य ही है। इसी अर्थ को मन में धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिए। हे प्राण और अपानो, शरीर में उत्तम रीति से संचार करो और शरीर को मत छोड़ो। यहाँ अश्विनो देवता के बदले प्राणापानो शब्द ही है और यह बताता है कि हमने जो अश्विनों का अर्थ प्राण और अपान किया है वह ठीक ही है। ये प्राण और अपान शरीर में उत्तम प्रकार संचार करें। शरीर को इनके उत्तम संचार के लिए योग्य बनाना निरोग रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर को प्राण संचार के योग्य बनाने के लिए योग शास्त्र में कहे धौती बस्ती नेति आदि क्रियाएं हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता है, दोष रहित बनता है और प्राण संचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता है। शरीर में प्राणपानों का यह महत्व है, प्राणपानों का बहुत महत्व है। इसीलिए कहा है कि यहाँ प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बनकर रहें, तेरे विरोधी करने वाले ना बने। सहचारी मित्र सदा साथ रहते हैं और सदा हित करने वाले होते हैं। इस प्रकार ये प्राणापान मनुष्य के सहचारी मित्र हैं। मनुष्य इनको ऐसा समझे और उनकी मित्रता ना छोड़े। ऐसा करने से क्या होगा सो इसी मंत्र में लिखा है। वृद्धि और पुष्टि को प्राप्त होता हुआ तू 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। अर्थात प्राण और अपान को अपने अंदर उत्तम अवस्था में रखेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करेगा। दीर्घ आयु प्राप्त करने का यह उपाय है। मनुष्य योग शास्त्र में कहे उपायों का अवलंबन करके तथा प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर में प्राणापानों को बलवान करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घ आयु बन सकता है। प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोनों से घटी हुई आयु को भी पुनः प्राप्त करा देते हैं। देखिए, जो तेरी आयु हीन दोषों के कारण घट गई है, वे प्राण और अपान पुनः उस स्थान पर आवे और उस आयु को वहां पुनः स्थापन करें। यह है प्राण पानों का अधिकार। कुमार अथवा तरुण अवस्था में कुछ अनियम के कारण यदि कोई ऐसे कुव्यवहार हो गए हैं और उस कारण यदि आयु क्षीण हो गई, तो युक्ति से प्राण और अपान उस दोषों को हटा देते हैं और दीर्घ आयु प्राणोपासना करने वाले मनुष्य को अर्पण करते हैं। इसीलिए कहा है इमं प्राणः मा हासितः अपान अवहाय मा परागात। इसको प्राण ना छोड़े देवों और अपान भी इसको छोड़कर दूर ना चला जावे, क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्य के देह को छोड़ने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्य को आयु देने में समर्थ नहीं हो सकती। इनके रहने पर ही अन्य शक्तियां सहायक होती हैं। अन्य शक्तियां इस मंत्र में सप्त ऋषि नाम से कही गई हैं, जो इस देह में रहकर मनुष्य की सहायता करती हैं। मैं इस मनुष्य को सप्तम ऋषियों के पास देता हूँ, वे इसको बुढ़ापे तक उत्तम कल्याण के मार्ग से ले चलें। ये सप्त ऋषि सप्त ज्ञानेन्द्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन तथा बुद्धि हैं। इनके विषय में पूर्व स्थल में कई बार लिखा जा चुका है। जब प्राण और अपान
उत्तम अवस्था में रहते हैं, तब ये सातों इंद्रिय उत्तम अवस्था में रहती हैं और मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। ये प्राणापान शरीर में बलवान रहने चाहिए। इनका बल कैसा होना चाहिए इस विषय में निम्नांतर देखिए। जैसे बैल गौशाला में वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण प्राण और अपान वेग से शरीर में प्रवेश करें। प्राण का अंदर प्रवेश बल से होवे और अपान का बाहर निःसरण भी वेग के साथ होवे। इनमें निर्बलता ना रहे, यही तात्पर्य यहाँ है। अवास्तविक वेग उत्पन्न हो, यह इसका मतलब नहीं है। इस प्रकार मन का वेग योग्य प्रमाण में रहे तो यह आयु का खजाना वार्धक्य तक ठीक अवस्था में रहेगा। इस विषय में मंत्र देखिए। यह दीर्घ आयु का खजाना न्यून ना होता हुआ यहाँ बढ़े, अर्थात पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्य करने के लिए समर्थ हो और दीर्घायु का खजाना बढ़ता जाता है। दीर्घ आयु प्राप्त करने का उपाय प्राणापान को बलवान बनाना ही है। इस विषय में और देखिए। प्राण से तेरा जीवन बढ़ाता हूँ और अपान से तेरा क्षय दूर करता हूँ। प्राण अपना साथ जीवन की शक्ति लाता है तथा शरीर जीवनमय करता है और अपान अपने साथ शरीर के क्षय को बाहर निकालता है, जिससे शरीर निर्दोष होता है। इस प्रकार ये दोनों शरीर को जीवन पूर्ण और निर्दोष बनाते हुए इसको दीर्घ जीवन देते हैं। यही बात निम्नलिखित मंत्र भाग में कही है। प्राण से उत्पन्न होने वाला श्रेष्ठ अग्नि हमारी आयु सब प्रकार से धारण करे। यहाँ प्राण के साथ रहने वाला जीवानाग्नि अपेक्षित है। प्राणायाम करने से, विशेषकर भस्त्रा करने से शरीर में अग्नि बढ़ने का अनुभव तत्काल आता है। इस सूक्त में कहा अग्नि यही शरीर स्थान की उष्णता है, यहाँ बाहरी अग्नि अपेक्षित नहीं है। अगले सप्तम मंत्र में कहा है कि हम अंधकार से दूर होकर उत्तम प्रकाश में आवें और सूर्य की ज्योति को प्राप्त हों। इस मंत्र में जो यह बात कही है आयुष्य बढ़ाने की दृष्टि से इसकी बड़ी आवश्यकता है। इससे निम्नलिखित बोध मिलता है। पहला, हम अंधकार के ऊपर चढ़ें, अर्थात अंधकार के स्थान में निवास करना आयु को घटाने वाला है। अतः हम अंधकार के स्थान को छोड़ें और ऊपर चढ़ते हैं। और दूसरा, उत्तम सुखदायक प्रकाश पूर्ण स्थान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देने वाला और रोग आदि दोषों को दूर करने वाला है। इसीलिए तीसरा, सब देवों के रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य देव को प्राप्त करते हैं। सूर्य ही सब स्थावर जंगम के द्वारा प्राप्य है, अतः प्राण रूपी सूर्य को प्राप्त करने के कारण हम अवश्य दीर्घजीवी बने। दीर्घ आयु प्राप्त करने की इच्छा करने वाले लोग सूर्य प्रकाश वाले घर में रहें और कभी अंधेरे कमरे में ना रहें। इस प्रकार दीर्घ आयु बनने के दो उपाय इस सूक्त में कहे गए हैं। एक प्राण और अपान को बलवान बनाना और सूर्य प्रकाश को प्राप्त करना और अंधेरे कमरों में ना रहना।